जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ए टू जेड स्कूल जोन। नो चिक चिक नो पिक पिक, सीधा काम शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एमएस वर्ड की शेप में अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। आप इसकी सहायता से कोई भी आईडी कार्ड बनाना है, कोई भी पैम्पलेट डिज़ाइन करना है या कोई भी डिज़ाइनिंग का काम करना है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेना है अपने पीसी में। फिर आपको कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको जो भी फॉर्मेट देना चाहते हो दे सकते हो। आप राउंड शेप भी ले सकते हो, स्क्वायर शेप भी ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो। इस तरह से आपको शेप सेलेक्ट कर लेनी है और उसका बैकग्राउंड वाइट ही रखना है। आउटलाइन आप कैसी भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए, हम सीधा यहाँ पर आपको पिक्चर इसमें डाल के दिखा रहे हैं, लेकिन पिक्चर जो है इसके अंदर सेट नहीं हो पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ये पिक्चर डायरेक्टली इसके अंदर सेट नहीं हो पा रही है। अब हम आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपनी पिक्चर को इसके अंदर ईजिली सेट कर सकते हो। देखिए, ये शेप से बाहर चली जाती है, शेप के अंदर सेटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है इसकी। अब आपको शेप को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले शेप को सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको। पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी लोकेशन पे आपकी पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद देखिए, ऑटोमेटिक आपकी शेप के अनुसार पिक्चर आ जाएगी, शेप में पूरी फिल हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी शेप में भी अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।